नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। वर्ष 2009-10 में हुआ सीतापुर का वृद्धावस्था पेंशन घोटाला लोग अभी तक भूले नहीं होंगे। अफसर, कर्मचारी और दलालों के गठजोड़ ने बुजुर्गों के हक पर जिस तरह से डाका डालते हुए 17,21,62,430 रुपए हजम कर लिए थे, उसने पूरे प्रदेश में सनसनी मचा दी थी। इसे लेकर तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी वाई के राय सहित कई अन्य पर केस दर्ज हुआ था। इसके बाद सीतापुर में सुहागिनों को विधवा पेंशन दिए जाने को कोई भला कैसे भूल सकता है। वर्ष 2018 में एक बार फिर अफसर, कर्मचारी और दलालों के गठजोड़ ने सुहागिनों को विधवा बनाकर मोटा माल इधर उधर कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 25 सुहागिनों को विधवा पेंशन दिया जाना सामने आया था। इसके अलावा शाहजहांपुर में हुए पेंशन घोटाले के तार भी सीतापुर से जुड़े पाए गए थे। इसमें सीतापुर के 15 से 25 वर्ष की आयु के लोगों के खातों में शाहजहांपुर से वृद्धावस्था पेंशन योजना की राशि भेजी गई थी। अब वृद्धावस्था पेंशन योजना में घोटाले का एक और मामला सामने आया है। यह मामला यूपी के औरैया जिले का है। इसकी जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में 562 बुजुर्गों की पेंशन दूसरे खातों में ट्रांसफर कर 66 लाख रुपए हड़प लिए गए। इसके बाद डीएम नेहा प्रकाश ने आदेश पर तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल और श्री भगवान पर दिबियापुर थाने में केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ दो पटल सहायकों को भी निलंबित कर दिया गया है। जानकारी मिल रही है कि पेंशन घपलों की यूपी के सभी जिलों में जांच चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।